फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वायर, पैरेलल टू द वायर, रेडियल लाइन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर. कौन सी ऑप्शन आएगी, रेज हैंड. लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी होती हैं? यस, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर. यस स्टूडेंट्स, इफ एनीवन नोज, रेज हैंड. वेरी इजी क्वेश्चन इट इज. हमने स्ट्रेट वायर पे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया था. यस जसलीन. मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. डी, यस, वेरी गुड. इट्स ऑप्शन डी की फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. सेकेंड है, फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज. ऑप्शंस आर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड कॉइल, प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. यस, विच ऑप्शन आउट ऑफ दीज. वी हैव डन EMI इन डिटेल. यस शांतनु. मैम इट्स ऑप्शन सी. यस सी, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल. दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑल्सो, दैट व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट. ओके, एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन इट. सो यस सी ऑप्शन इज करेक्ट. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और EMI. थर्ड, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड. ये जनरेटर आना है इसका, पर जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको रहने दो. एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC जनरेटर, लीव दिस ऑल्सो बिकॉज वी हैव नॉट डन जनरेटर्स, बोथ द जनरेटर्स. वैसे इसका आंसर है डी, कि AC जनरेटर में स्लिप रिंग होते हैं और DC जनरेटर में कॉम्यूटेटर. कॉम्यूटेटर मीन्स स्प्लिट रिंग्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर में होते हैं. फिफ्थ है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट, व्हाट हैपेंस टू करंट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट. ये टॉपिक भी डिलीट हो गए हैं. शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग. शॉर्ट सर्किट होता है व्हेन लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर, देन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज एंड ड्यू टू विच स्पार्क और फायर इज सेट. तो इसमें आंसर तो यही आना, इंक्रीजेस हैवीली, बट लीव इट. सिक्स क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स. ए, An electric motor converts mechanical energy into electrical energy. Is it true or false? Yes, who will tell? Does a motor convert mechanical energy into electrical energy? Yes, Harshit. Ma'am, false. It is false. It does the reverse. It converts electrical energy into mechanical energy. B, an electric generator works on the principle of EMI. ये ऐसे नहीं करना हमने, वैसे ये true है. C, the field at center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. Yes, कौन बताएगा, is it true or false? Circular coil है, उसके center पे magnetic field lines parallel होंगी, straight lines होंगी कि क्या होंगी? उन्होंने बोला है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, रेज हैंड. नो वन नोज द आंसर. इट्स ट्रू, क्योंकि आप देखते हो कि दोनों पार्ट्स जब हम ड्रॉ करते हैं सर्कुलर वायर के, एक की इधर आती है, एक की इधर आती है, तो सेंटर में वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है. तो सेंटर के पास आते आते वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हो जाती हैं. हमने सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाया हुआ है ना, तो वो स्ट्रेट हो जाती है सेंटर में आके. तो यस, दिस इज ट्रू. डी पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है. वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज लाइव वायर, ये रॉन्ग है. वैसे जो लाइव वायर होती है रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर की अर्थ वायर होती है.
सेवेंथ है लिस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड्स. यस, हु विल टेल द आंसर? व्हाट आर टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड? कौन बताएगा? हाउ कैन वी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? हाउ वी कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, ये भी कह सकते हो आप. आप ये कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ आयरन नेल, ठीक है, आप इसको एक मैग्नेट से रब करो तो वो भी थोड़ी सी मैग्नेटाइज हो जाती है. दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ मैग्नेटाइजिंग अ सब्सटेंस. आयरन सब्सटेंस गेट्स मैग्नेटाइज वेरी इजीली. सेकेंड मेथड हो सकता है इसका बाय बरिंग अ बार मैग्नेट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम. आफ्टर सम टाइम इट विल गेट कन्वर्टेड इन टू, इट विल स्टार्ट हैविंग सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तो आपको क्या करना है कि एक मैग्नेटिक बार को, मैग्नेट को, आयरन बार को आपने अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बरी करना है अर्थ के अंडर. आफ्टर सम टाइम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट ऑन इट एंड इट विल ऑल्सो एक्वायर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बट इट शुड बी स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ अर्थ. सो दीज आर टू मेथड्स. यू कैन हैव एनी अदर मेथड. इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी बता सकते हो कि बाय वाइंडिंग कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल एंड पासिंग करंट थ्रू इट, तो इट विल बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट, बट वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड दैट वे. एट है हाउ डज अ सोलेनोइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट. यस, वी हैव ड्रॉन द पैटर्न. कैन यू डिटर्मिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट? यस, वी कैन डिटर्मिन बाय ब्रिंगिंग नियर इट अ मैग्नेटिक कंपास नीडल, जैसे वीडियो में मैंने शो किया. तो आप अगर एक पोल के पास कंपास नीडल लेके आओगे, अगर उसका नॉर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो एंड साउथ पोल बिहेव कर रहा है, अदर एंड इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल. अदरवाइज भी आपको पता है कि जिस साइड पे हम सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं वो साउथ एंड होता है और साउथ पोल होता है, दूसरा एंड नॉर्थ होता है. व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट? तो आप लगाओगे एफ इज इक्वल टू बिल साइन थीटा. तो ये लार्जेस्ट कब होगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड देन थीटा इज 90 डिग्री एंड आवर फोर्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल दैट इज लार्जेस्ट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. एनी डाउट अप टिल हियर? यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? 9th क्वेश्चन तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10, ये क्लास में मैंने आपको करवाया था इफ यू रिमेम्बर. इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बी मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी हैड अप्लाइड. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हमारी फोर्स की फील्ड की डायरेक्शन आई थी, ठीक है. इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ आ रहा है, इसका मतलब करंट है फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ. तो मिडल फिंगर आपकी बैक वॉल की तरफ होनी चाहिए. इज डिफ्लेक्टेड टू योर राइट, तो थंब राइट की तरफ होना चाहिए. तो अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर है? डाउनवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स आएगा इसका आंसर. किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ये हमने क्लास में किया था तब. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? यू कैन आस्क. कोई डाउट है बच्चे? ये हो गया था ना, ये वाला क्लास में हमने किया था. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मोटर, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर? वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया हुआ है. 12th, name some devices in which electric motors are used. Yes, can you name some devices where electric motors are used? Yes, students, come up with the answer. Raise hand if you know. बोले हर्षित. Yes, हर्षित. मैम फैंस, एसी, कूलर. जहां पे भी रोटेशनल इफेक्ट देखते हो वहां पे तो मोटर यूज होती होती है, मिक्सर में, ग्राइंडर में, ठीक है, फैन हो गया, और जनरेटर में भी यूज होती है, और लाउड स्पीकर्स वगैरह, कंप्यूटर पार्ट्स में भी मोटर्स यूज होती हैं,
ठीक है, छोटे छोटे फैन जहां पे भी लगे होते, कंप्यूटर के अंदर भी होता है, यू नो दैट। ठीक है, तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। यस राइट। नेक्स्ट है 13th, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट ही है। चलिए आप ही बताओगे मुझे, कल हमने इतने अच्छे से इसको स्टडी किया, आप बताओगे फर्स्ट पार्ट। व्हाट विल हैपन इफ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल, ब्रॉट क्लोजर टू द कॉइल, व्हाट विल हैपन? वही उन्होंने एक कॉपर कॉइल लिया है, एक गैल्वेनोमीटर लिया है, एक मैग्नेट लिया, तो नाउ दे आर ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल, व्हाट विल हैपन? यस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Yes, students, hurry up, give the answer. 13th question, I was waiting for your answer. It's very simple. When the magnet is brought closer, then what will happen? Deflection will be there in the galvanometer. Aur iska second part hai, withdrawn from inside the coil. Now the magnet is taken away. What will happen? Now the deflection will be again observed, but now it will reverse. It will be in the other direction, opposite direction. आपको simulator भी दिखाया था मैंने, वहां से clear हो रहा था। Third है held stationary inside the coil. This case I also showed you with the help of that simulator. When the coil magnet was inside the coil, held stationary inside the coil, then no induced EMF, induced potential difference or induced current was there. So then the galvanometer was showing zero deflection. Okay, so the galvanometer will not show any deflection for the third case. So you have to do this question in your copy, 13th question. Okay, you 11th question you must have already done, so don't do it. But 12th question, 13th question and 14th you have to do. So let us do 14th question now. 13th mein kisi ko doubt answers mein? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है कि देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इंडिकेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सेकंड पार्ट का आंसर है द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल रिवर्स, देयर विल बी डिफ्लेक्शन बट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। थर्ड है हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, नो डिफ्लेक्शन विल बी देयर इन द गैल्वेनोमीटर बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स विल नॉट चेंज विद द टाइम। When the magnet is held stationary inside the coil, no magnetic flux will change. So induced current will become zero and no deflection will be shown by galvanometer. 14th, two circular coils A and B are placed close to each other. If current in coil A is changed, will some current be induced in coil B? Give reason. Yes, bataiye. Now this is about two coils. कल हमने एक फिनोमिना किया था। यस जसलीन। यस मैम, द देयर विल द देयर विल बी सम इंड्यूस करंट, सम इंड्यूस करंट इन द कॉइल बी बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन। वेरी गुड, तो दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। Induced current will be produced in one coil when the current in neighboring coil changes. So there are two coils here, A and B. Whatever be their shape, circular ले रहे हैं, rectangular ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर दो coils close हैं, एक में current change हो रहा है, तो दूसरे में induced current produce होगा because of change in magnetic flux. तो yes, because of mutual induction, there will be induced current produced in coil B. Yes. 15th, रीजन देने को बोला है उन्होंने, रीजन क्या दोगे? बिकॉज वेन करंट थ्रू कॉइल ए विल चेंज, देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल बी। उसके अराउंड जब लाइन्स आ जाएंगी उस कॉइल के अराउंड, तो वो लाइन्स कॉइल बी जो पास पड़ा है उसमें से भी एंटर करेंगी। वेन करंट इज पास थ्रू अ कॉइल थ्रू अ सोलिनॉइड, यू नो देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हम मैग्नेटिक लाइन्स बना के शो कर सकते हैं। अब क्योंकि कॉइल बी इज लाइंग क्लोज टू इट, सम लाइंस विल पास थ्रू कॉइल बी आल्सो, तो उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। दिस इज द रीजन।
किसी को नहीं समझ आया हो तो रेज हैंड एंड यू कैन आस्क. इफ इट इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क. स्टूडेंट्स बी इंटरैक्टिव, पूछा करो. अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो. नहीं पूछना, चलिए 15th क्वेश्चन. अब आप बताओगे मुझे. आई वॉन्ट टेल यू. स्टेट द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. अब कितने सारे रूल्स किए हैं, आपको इस रूल का नेम बताना है. स्टेट द रूल टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. कौन सा रूल है जो स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड हमें देता है. यस, वेटिंग फॉर आंसर्स. हरी अप. यस स्टूडेंट्स, कम ऑन. ओनली जसलीन इज गिविंग द आंसर्स. व्हाट अबाउट अदर्स? यस, वेरी गुड. शांतनु आप बोलो. मैम राइट हैंड थंब रूल. हाँ, पूरा नेम बोलो इसका. फुल नेम मैक्सवेल्स. मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. इट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. कौन स्टेट करेगा? हु विल स्टेट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल? यस, कौन बताएगा? रेज हैंड. व्हाट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल? बच्चे अब तो पूरा चैप्टर हो गया, आना चाहिए आपको ये. Who will tell me Maxwell's right hand thumb rule? Yes, somebody tell. It states that imagine a conductor in your right hands in such a way that current flows in the direction of thumb is pointed in the direction of current. Then the sense of curling of fingers gives the direction of magnetic lines of force. So if the current is flowing downwards, the direction is clockwise. If the current is upward, the direction is anti-clockwise, like that. Second part hai, force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. So, kaun sa rule hai jo force ki direction deta hai on a current carrying conductor placed in a magnetic field? Yes, which rule is this? Same students are raising hands. What about others? Yes, Harshit. Fleming's left hand rule. Yes, ये तो मैंने आपको कल mentimeter में दिया था quiz में. That is Fleming's left hand rule. This is nothing but principle of motor. That when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, force is experienced. Torque acts on it. For I told you that torque is also a force. तो जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन कौन देता है हमें? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. कौन स्टेट करेगा? स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. यस, हु विल स्टेट द रूल? स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. स्टूडेंट्स, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. किसी को नहीं आता याद? मैंने आपको यहां ऐसे लिखवाया भी था ना, एफ बी आई. अब याद आया आपको? हु विल स्टेट नाउ? एफ बी आई. हु विल स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? यस, हरी अप. चलो मैं ही पूछती हूं फिर. आई विल आस्क माई सेल्फ. 24 पीपल आर देयर ओनली. मंशा आप बताओ. मंशा, यस. दिशा, नाउ डोंट टेल कि आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे. दिशा, हरजोबन, अगेन हर्षित. यस, चलो आप ही बताओ. स्ट्रेच द फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ योर हैंड इन सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड
The forefinger give the direction of magnetic field. The middle finger give the direction of current. And the thumb give the direction of force. Yes, very good. So stretch first three fingers of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular. If forefinger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then thumb gives the direction of force. Yes, very correct. Third part hai iska, current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field. Which rule is this? Which rule gives the direction of current induced in a coil? Again, the same persons. What about others? Sirf teen bache answer de rahe hain, Jasleen, Harshit and Shantanu. What about others? Yes, Shantanu. Ma'am, Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. Who will state the rule? Fleming's right hand rule. Who will state the rule? Yes. Kaun statement batayega? Fleming's right hand rule ki? Yes, bache, it's a good revision. Kal hi to kiya humne ye law. You must be knowing that. Hurry up, tell me. Okay. फिर वही दो बच्चे जसलीन और हर्षित. हाँ जसलीन बोलो. मैम स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक एंड मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द ये लास्ट में बताना है जो फाइंड करना है वो लास्ट में बताना है ठीक है. Thumb tell the direction of the motion, then middle finger will show the direction of induced current. Yes, very good. So if forefinger gives the direction of magnetic field, motion is given by thumb, and then middle finger will give the direction of induced current. Yes, this is Fleming's right hand rule that gives us direction of induced current. So three rules iske andar aa gaye dekho ek hi question mein. तीनों रूल्स आ गए तो आप स्टेटमेंट डोंट राइट द स्टेटमेंट्स अगेन बट डू दिस 15th क्वेश्चन आल्सो इन योर कॉपी एज एक्सरसाइज एंड जस्ट राइट द नेम्स ऑफ द रूल्स बिकॉज़ ऑलरेडी यू मस्ट हैव स्टेटेड द रूल्स इन योर कॉपी. 16th क्वेश्चन एक्सप्लेन अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये हमारे सिलेबस में नहीं है. 17th शॉर्ट सर्किट ये भी नहीं है. 18th अर्थ वायर ये भी नहीं है. ठीक है दीज टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड सो आर एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीट अलॉन्ग विद द चैप्टर राइट सो नाउ यू विल कम्प्लीट दिस चैप्टर इन योर कॉपी एंड आई विल बी आस्किंग फॉर योर कॉपी नेक्स्ट वीक. तो नेक्स्ट वीक तक अपना होमवर्क कम्प्लीट कर लीजिए. आपका फिजिक्स का सिलेबस ओवर हो गया ठीक है तो अब इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए. आपका सिलेबस ओवर हो गया अब एक बार कॉपी चेक करा के आराम से बैठ दो ठीक है. नो नीड ऑफ डूइंग दैट नाउ. अब ये मत करना कि होमवर्क ही ना करें लेट वर्क करें. इतना सा काम है आपका. मोस्ट ऑफ द पोर्शन चेक्ड है आपका. सिर्फ मोटर भी आई थिंक चेक्ड ही है. वहां से लेके सिर्फ फैराडेज एक्सपेरिमेंट ये जो दो तीन दिनों में हमने काम किया बस इतना पेंडिंग. इतना सा काम तो इजिली हो जाएगा है ना. ओके स्टूडेंट्स चलिए नाउ आई विल टेक अप योर डाउट्स इफ यू हैव. Yes, any doubts from your side? So doubts पूछ लो. Magnetic flux is the number of magnetic lines. Magnetic flux is the number of magnetic lines passing through certain area. Magnetic flux is the number of magnetic lines. Passing through certain area. Passing through certain area. Magnetic flux is the number of magnetic lines passing through certain area. मतलब कि जो number of lines है उसको हम magnetic flux बोलते हैं. बस इससे याद रखिए ठीक है. तो जब हम magnet को pass लेके आते हैं lines start entering the coil तो उसकी flux increase हो जाती है. तो फ्लक्स मीन्स सिंपली लाइंस उसमें एंटर कर रही हैं या नहीं कर रही है.
And when we take the magnet away, then the lines, they start coming out of the coil and its flux decreases. Iska matlab number of lines kam ho raha hai. Matlab ki magnetic flux kam ho rahi hai. And when the coil is kept inside the coil, to fir कोई भी लाइन जो है वो स्टेशनरी हो गई, फ्लक्स चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए इंड्यूस करंट जीरो हो जाता है एंड गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन. यस, एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क.